राय मुनि भगत मुर्दाबाद, ये नारा, ये विरोध, ये प्रदर्शन है बीजेपी विधायक के खिलाफ। जशपुर विधायक रायमुनि भगत के ईसाई समुदाय पर कथित टिप्पणी को लेकर ईसाई समुदाय के नेताओं का आरोप है कि इस टिप्पणी से सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक मुख्य कारण यह है कि रायमुनि भगत ईसाई मन के ऊपर में अभद्र टिप्पणी करी से और वो टिप्पणी हमला आघात पहुंचाई से, तो हमन चाहतन कि ओकर ऊपर ईसाई समुदाय ने पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई। एक प्रकार का अंधविश्वास में हमारे लोगों को जकड़ रहे हैं और धर्मांतरण लगातार हो रहा है हमारे गरीब आदिवासियों का। और जब तक मैं हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपने भाई बहनों को धर्मांतरण से बचाने का प्रयास करूंगी। और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो फर्जी लोग गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं, उससे पहले अपना विधिवत धर्मांतरण का सर्टिफिकेट दिखाए सरकार। इधर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी नेता संघ के इशारे पर काम कर रहे हैं। कहीं मुझे लगता है आरएसएस के इशारे पे रायमुनि भगत इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं, तो उनको इससे आपसे बचना चाहिए और आपकी सद्भावना और प्रेम। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी है, जो ब्रांचों में जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, बच्चे नौकरियों पर जाएंगे, बड़े बड़े काम हॉल होंगे, जो शराब पीते हैं वो छोड़ देंगे, वो नशे को छोड़ देंगे। ये जवान यूथ यहाँ पर खड़ा है जिन्होंने नशे को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर ब्लेसिंग दे जिनके नाम BNRS GHMPKL और Y से N से हैं। आप नई गाड़ी खरीदेंगे और गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा हूं ASGNPMBCFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगे, आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, वो बोल रहा हूँ कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार रहे करे इस चर्च के साथ, पवित्र आत्मा करे परमेश्वर के साथ वफादार रहे, ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला कंप्लेंट करते रहे परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है वफादारी वो है जो कंप्लेंट नहीं करता, ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर ने कहा इस साल में वो अपना फल पाएंगे, सबसे बेस्ट फल। आमीन। एक बेस्ट फल आएगा, बेस्ट गवाही आएगी, बेस्ट टेस्टिमनी आएगी। जिनकी जॉब फौज में, पुलिस में, कोई टीचर लाइन में किसी ने भरी थी और वो रुकावटों के कारण किसी कारण वर्ष रोक दी गई या नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनकी छिनगी थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको निकाल दिया गया या कोई भर्ती कैंसिल हो गई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी नाम पर आपको फिर से बुलाया जाएगा, आप पास होंगे, आपको जॉब पर रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपका फेवर होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अब तक मां नहीं बनी है उनके लिए खुशखबरी है कि आप ताड़ी बजा सकते हैं। यस। जो मां नहीं बन पा रही है उनके लिए खुशखबरी है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो बाप नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, जिन माओ ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था, उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो इस समय यहाँ पर खड़े हैं, सबको जय मसीह की, सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहा जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप आज नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए
तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है, क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं, क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं, क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है, वो पापी नहीं था परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाशमय हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है तो सच्ची धार्मिकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए, हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें और कमांड करें, यकीन रखें और वचनों को पढ़ें और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहें, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन लें और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दें। सब कुछ है मसीह की, आपकी चंगाई आपके मुंह में। धन्यवाद।